मेरे साथ राजीव बाबा जी हैं और मेरे और सहयोगी हमारे मंत्रालय के शिखा साहब हैं जो हमारे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम में काम करते हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी तैयार किया है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हम मिशन गंगा में क्या करने वाले हैं, हमारी क्या योजनाएं हैं और हम आपसे क्या चाहते हैं। तो इस पर हमने एक प्रेजेंटेशन की तैयारी की है। मैं आभारी हूं राजेंद्र सिंह जी का और मधुकेश्वर जी का कि उन्होंने इस मुझे मौका दिया है यहां आने का। हालांकि मैं परसों में नहीं आ सका और मैं परसों बाहर था और कल सारा दिन बीटी बैंगन में मैं व्यस्त था, तो आज मैंने इनको कहा कि आज जरूर मैं आऊंगा और आपसे जो आपके पास कोई सुझाव है जरूर आलोचनाएं भी होंगी और सुझाव भी होंगे, दोनों को सुनूंगा मैं। मैं शंकराचार्य जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि गंगा हमारे लिए ना एक सरकारी कार्यक्रम के नाते मैं नहीं देखता हूं, गंगा हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, सभ्यता से जुड़ी हुई है और मैं चाहता हूं कि गंगा में पानी हो, टनल ना हो। इंडिया हैज बीन नोन एज अ सिविलाइजेशन ऑफ रिवर्स, इट शुड नॉट बिकम अ लैंड ऑफ टनल्स, मैंने कहा है। और जब मैं बहुत छोटा था, शंकराचार्य जी बैठे हैं, तो संस्कृत याद आ जाता है, तो मुझे कहा गया था गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। मैं भी कुछ संस्कृत जानता हूं स्वामी शंकराचार्य जी। तो जब से मैं मंत्रालय में आया हूं करीब 8-9 महीने हो गए हैं, मैं प्राथमिकता गंगा कार्यक्रम पर दे रहा हूं। हालांकि मैं शंकराचार्य जी को एक चीज कहना चाहता हूं कि मेरे हाथ बने हुए हैं, मैं भारत के संविधान के अंदर मुझे काम करना है, मुझे राज्य सरकारों के साथ नहीं चलना है, मुझे अर्बन लोकल बॉडीज को साथ लेकर चलना है। अगर मेरे हाथ में होता मैं कुछ और फर्क दिखाता, पर मेरे हाथ में सब कुछ है नहीं। बांध की बात आपने कही है, मैंने कहा है स्पष्ट रूप में, मैंने कहा है कि अभिनीति पर और नए बांध का क्लियरेंस देना बिल्कुल असंभव होगा। नहीं, एक बात हम बीच में कहेंगे जो यहां पर निकल करके आई कि गंगा कहां से शुरू है, कहां जाती है, तो इस बारे में अनेक मतभेद हो गए हैं। लोगों ने अपने अपने बचाव के लिए तरह तरह के तरीके बना लिए। कुछ लोग तो कहते हैं देवप्रयाग से गंगा है, तो फिर गंगोत्री का क्या होगा। लेकिन असल में जो गंगा है वो मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी, इन तीन नदियों की जो धारा आती है वही गंगा है। वो देवप्रयाग में आकर के एक धारा बनती है, लेकिन तीनों ये जो धाराएं हैं वो तीनों गंगा हैं, जिसको मान करके आपको चलना होगा।